फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं माय लाइफस्टाइल प्रीति चैनल। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में लेके आई हूँ एक लहंगा, अनबॉक्सिंग कह सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, हॉल भी बोल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ऑनलाइन जो भी चीज़ें लेना चाहते हैं, चाहे वो लहंगा हो या फिर कोई और भी ड्रेस हो, कोई और प्रोडक्ट हो, तो उनको हमेशा ये कंफ्यूजन बना रहता है कि यार पता नहीं ये दिखा तो ऐसे रहे हैं, कैसा है नहीं है। तो इसलिए मैं अपने चैनल पे ये हॉल वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि अभी दिवाली नज़दीक आ रहा है, करवा चौथ नज़दीक आ रहा है। तो ऐसे में अगर आप लहंगा पहनना चाहते हो, तो कोई लहंगा पसंद करते हो तो उसकी क्वालिटी कैसी है, प्राइस के साथ साथ क्या वो प्राइस के हिसाब से परफेक्ट है या नहीं है, तो वो सारे डाउट्स मैं अपने वीडियोस में क्लियर करती हूँ। इसलिए मैं अपने हॉल वीडियो आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से डिटेल में शेयर करती हूँ, ताकि जो जैसा है वैसा मैं बताती हूँ। और ये मेरा स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। और क्योंकि मैं खुद के लिए लाती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बाय करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैं, मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, होता जब उन लोगों की वीडियोज़ देख के मंगाओ तो पता चलता है तारीफ़ इतनी ज़्यादा, और लाओ तो तारीफ से डाउन मिलता है। तो ऐसा नहीं है, मेरे वीडियो जैसा क्वालिटी मिलता है, और सबसे बड़ी बात कि मैं चीपेस्ट प्राइस प्रेफर करती हूँ, क्योंकि हर कोई लहंगा या बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लहंगा है तो वो सिर्फ हम फेस्टिव में ही ट्राई कर सकते हैं, बाकी वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग मंगाती हूँ। आप अपने हिसाब से अपने मंगा सकते हो, सस्ता महंगा कुछ भी, बट मैं अपने अकॉर्डिंग मंगाती हूँ, क्योंकि मुझे जो कपड़े ज़्यादा यूज़ में लगते हैं उसे मैं कॉस्टली उनमें पैसा इन्वेस्ट करना अच्छा समझती हूँ। जिन्हें मैं कभी कभार यूज करती हूँ उसमें पैसा थोड़ा कम यूज़ करना, इन्वेस्ट करना पसंद करती हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है टोटली। सो आई नो आज के ज़माने में सब कोई बजट पसंद करता है। सो ये मैं लहंगा मंगाई हूँ, ये फ्लिपकार्ट से है, कुछ इस तरीके की सिंपल सी पैकेजिंग थी, कुछ खास नहीं, बस इस तरीके की पैकेजिंग में आई थी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये लहंगा। जी हाँ, ये नेट का लहंगा है। तो अभी दिवाली आ रहा है, और ये रानी पिंक कलर में, मतलब जो रानी कलर आता है ना, ये बहुत अच्छा वाला कलर, वो वाला कलर है। तो ये अंदर आपको कुछ, मतलब जो अंदर का कपड़ा है कुछ इस टाइप का है, शॉर्टन भी नहीं है बट ठीक ठाक है रेंज के अकॉर्डिंग। और उसके ऊपर से ये नेट लगा हुआ है पूरा का पूरा, आप देख सकते हो, एकदम सॉफ्ट वाला नेट है, बहुत ज़्यादा मतलब कड़े वाले नेट नहीं है, एकदम सॉफ्ट वाले हैं, देख सकते हो। और पूरा लहंगा सिंपल ही है, और इसके साथ ये ऊपर का इसका टॉप दिया गया है ब्लाउज़ के लिए कपड़ा। तो ब्लाउज़ का कपड़ा भी जैसा आजकल ब्लाउज के लिए आ रहा है साड़ियों के साथ, उस टाइप का नहीं है, उससे थोड़ा सा चेंज है। एकदम सॉफ्ट वाला, जो शॉटन की साड़ियाँ आती हैं प्लेन वाली, भी बहुत सारे मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे आप देख रहे हो, उस टाइप का ये कपड़ा है ब्लाउज का। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, पीछे से मुझे लगा कि शायद ये टेरी कॉटन टाइप का कपड़ा है, बट देख सकते हो अंदर से ये शॉर्टन टाइप के कपड़े, शॉर्टन टाइप नहीं, शॉर्टन का ही ब्लाउज है। तो इसमें ये काफ़ी शाइनिंग भी करता है, काफ़ी एकदम सॉफ्ट है। तो ये चीज़ मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी इसकी। और हालांकि ब्लाउज़ एकदम से, ब्लाउज़ का जो कपड़ा है एकदम प्लेन है, आप देख सकते हो शॉर्टन का कपड़ा है, और एकदम प्लेन है, एकदम सॉफ्ट है। तो मटेरियल काफ़ी मुझे अच्छा लगा प्राइस के अकॉर्डिंग। और नीचे में जब हम इसके नीचे आते हैं, नीचे कुछ इस तरीके का बॉर्डर दिया गया है, चौड़ी चौड़ी लेस लगे हुए हैं, लेस के साथ ये एम्ब्रॉयडरी है थ्रेड की। तो इस तरीके का ये पूरा बॉर्डर है लहंगे में, आपको पूरा मिलेगा फुल व्यू, ट्राई ऑन हॉल करके मैं दिखाऊंगी अभी, ट्राई ऑन करके। तो देख सकते हो पूरे नीचे सिर्फ इस तरीके का है पूरा का पूरा लहंगा। तो सिर्फ आपको ये कॉर्नर में मिलने वाले हैं, सिर्फ नीचे, और नीचे आपको ऐसे बॉर्डर है। बॉर्डर मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगा इसका डिज़ाइन, और कलर तो मुझे माइंड ब्लोइंग, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो और जैसा मैं ऑर्डर की थी सेम वही कलर आया है। तो
आप देख सकते हो बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा मुझे बॉर्डर, बाकी लहंगा प्लेन है। तो फेस्टिव के लिए स्पेशली दिवाली के लिए, करवा चौथ के लिए, करवा चौथ में तो हम हैवी पहन भी सकते हैं, तो ये ऐसा वाला है कि आपको का लुक जो है हैवी दिखेगा और आप तो बहुत ज़्यादा मतलब भारीपन आपके बॉडी में फील नहीं होगा, तो इस टाइप का ये लगेगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो और ये इन चीज़ों का ध्यान रख के ही मैं ये लहंगा ऑर्डर की थी। और इसके दुपट्टे की बात करूँ मैं तो ये सेमी स्टिच है, मीन्स आपको अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग, इसके साथ लटकन वगैरह कुछ नहीं है, तो आप अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग इसे अपने साइज के अकॉर्डिंग फिटिंग करा सकते हैं। तो इस तरीके से है सेमी स्टिच। और इसके दुपट्टे की बात करें तो दुपट्टा भी सेम ऐसा ही है जैसा लहंगे का नेट है, तो नेट का दुपट्टा है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा मतलब कड़ा वाला नेट नहीं है, जो लहंगे में यूज किया गया है वही है कपड़ा। तो नेट की क्वालिटी अच्छी है रेंज के अकॉर्डिंग, और नेट दुपट्टे में सिंपल इस तरीके से लेस लगाया हुआ है, गोल्डन कलर का बॉर्डर दिया हुआ है चारों तरफ। तो दुपट्टा बहुत ही सिंपल है, बट आप इसे डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी और ब्लाउज के साथ और ज़्यादा इसका लुक स्टाइलिश और मॉडर्न बना सकते हो अपने हिसाब से। मुझे तो ये दिवाली के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगा, करवा चौथ में भी इनफैक्ट आप यूज कर सकते हो, क्योंकि करवा चौथ के लिए आप थोड़ा सा हैवी ब्लाउज अलग से कपड़े लेके बनवा सकते हो इसके साथ, या फिर कोई अच्छे वाले प्लेन कपड़े लेके बनवा सकते हो, मतलब पूरा टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लुक किस फेस्टिवल में इसे आप ट्राई कर रहे हो उस हिसाब से। जैसे दिवाली के लिए इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हैवी मुझे पसंद नहीं है, आई नो आप लोगों को भी नहीं पसंद होगा क्योंकि उस टाइम बहुत सारे दिए चलाओ पटाखे चलाओ, तो उस टाइम में आपका लुक भी हैवी दिखे अच्छा दिखे और आपके कपड़े जो है आपके बॉडी पे बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे, आपकी पता चले पूरे टाइम हम अपने कपड़े को ही संभाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लगा, और इसकी प्राइस है अंडर 300, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। 300 बोल सकते हैं क्योंकि ये मुझे 290 में रिसीव हुआ है डिलीवरी चार्ज लेकर, तो 300 बोल सकते हैं। 300 में आजकल क्या मिलता है यार, और आपको लहंगा मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, और वो भी क्वालिटी के साथ प्राइस से काफ़ी काफ़ी ज़्यादा गुना मुझे अच्छा लगा ये। तो ये नहीं बोलेंगे कि यार 300 में इतना अच्छा, मतलब 300 में आपको लहंगा मिल गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। तो चलिए अब इसे ट्राई करते हैं और आप लोगों के साथ फुल व्यू दिखाते हैं कि मैं इसे किस तरीके से स्टाइल की हूँ, और टोटली आप पे डिपेंड करता है। आज मैं कुछ इसे इस लहंगे कुछ अलग तरीके से ट्राई करना करके आप लोगों को दिखाऊंगी, तो चलिए ट्राई करते हैं, फिर आप लोगों को फाइनल दिखाते हैं। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि ये लहंगा आप लोगों को कितना पसंद आया, और अगर आप लोग लेना चाहते हो तो बेफिक्र ले सकते हो, अगर चाहोगे तो मैं इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग ले। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं करवा चौथ और दिवाली दोनों ही लुक आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ इस लहंगे के साथ। तो यहाँ पे ओपन हेयर में मैं अपना दिवाली लुक दिखा रही हूँ, सिर पे पल्लू रख के आपको करवा चौथ लुक दिखाऊंगी, तो दोनों ही तरीके से मैं स्टाइल करके हेयर स्टाइल मेकअप वगैरह सब कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके दिखाऊंगी इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया मिल जाए थोड़ा सा भी। और आप लोगों को मेरा ये दोनों लुक में से फेस्टिव लुक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आपका फेवरेट लुक कौन सा था, दिवाली या करवा चौथ, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो देखिए मेरा फाइनल लुक डिफरेंट स्टाइल में फेस्टिव लुक के साथ। आज का छोटा सा वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग से एंटरटेनिंग से और यूजफुल टॉपिक के साथ मैं अपने चैनल पे मिलती रहती हूँ। साथ में आप लोगों की रिक्वेस्ट भी करती हूँ, पॉसिबल जितना हो पाता है। सो
चलिए इस वीडियो को कर लेते हैं पेंट। और हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए, जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, लव यू।